नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी और नाइन्टी में दो बार ही आपसे सवाल पूछा हुआ है क्वेश्चन से इफ अ बॉडी ए ऑफ मास एम इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी वी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल अनदर बॉडी बी ऑफ द मास ऑफ द सेम मास इज थ्रोन विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल हमें बताना है कि दोनों के हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशो क्या होएगा नाउ इस सवाल में एक और चीज़ जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि दोनों का मास सेम दिया हुआ है Uh, अगर इन दोनों का मास सेम नहीं भी होता तो भी इनकी रेंज वही आती जो अदरवाइज आती तो रेंज आपकी क्योंकि हम कैनामेटिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे रेंज आपकी इनिशियल वेलोसिटी थीटा पे डिपेंड करती है आपके मास पे नहीं हालांकि सो so, आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है लेट से 30 डिग्री के एंगल पे दूसरा प्रोजेक्टाइल आपने यहाँ पे लॉन्च किया है 60 डिग्री के एंगल पे हमें बात पता है क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उसकी वजह से दोनों की रेंज सेम रहेगी ठीक है सो वी कैन सेफली से कि अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री पे दो पार्टिकल आपने वो किए हैं थीटा और 90 माइनस थीटा इन दोनों को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर ये दोनों सेम है या इससे अगर आपने फेंका है तो आपकी रेंज सेम होएगी ठीक है इन दिस केस रेंज विल विल बी सेम हालाइन कैसे आई एक बार छोटा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं रेंज uh, जो आर वन है उसको आप लिखोगे यू स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा बाय जी इस एंगल पे जब आपने फेंका है तो आप रेंज को लिखोगे यू स्क्वायर साइन ऑफ ट्वाइस नाइन्टी माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी इसको आप लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन ऑफ वन एट्टी माइनस टू थीटा डिवाइड बाय जी अपने को बात पता है कि साइन ऑफ़ वन एट्टी माइनस टू थीटा अगेन साइन थीटा ही होता है सो दिस विल बी यू स्क्वायर साइन ऑफ साइन ऑफ टू थीटा बाय जी तो इन दोनों ही केसेज में आपकी रेंज सेम हो जाएगी एंड हैंस ऑप्शन नंबर बी वन इज टू वन विल बी द राइट आंसर